हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत की जताई करने वीडियो में हम एक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। इस रात के समय अपना समय निकालकर प्रभु के लिए अपना समय निकाल लीजिए, ठीक है। अपने जीवन में से परमेश्वर को महत्व देंगे, ठीक है, क्योंकि आज का विषय बहुत ही खड़ा है, समझना और याद रखना इस बात को, ठीक है, क्योंकि जीवन और मरण की बातें आपके सम्मुख रखी हैं, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है जीवन और मौत की बातें आपके सामने रखी हुई हैं, क्या सही है क्या गलत है हमको चुनना है, क्या डिसाइड करना है, ठीक है। यीशु मसीह का वचन कहता है मेरे परिजनों, ठीक है, बाइबल बताती है एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बहुत ही जरूरी है मेरे परिजनों। वह तो वो आत्मा मरने के बाद धनवान की साइड या तो अब्राहम की साइड चली जाएगी मेरे परिजनों। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता होगा पूरे हृदय से पूरे मन से पूरे विश्वास के साथ, ठीक है, उसकी आत्मा स्वर्ग लोक में जाएगी मेरे परिजन। जिसने यीशु मसीह ने अपनी प्रेम करने वालों को दिया है, यीशु मसीह ने कहा है मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, मार खाई है, बेइज्जती सहा है, दुख सहा, दर्द सहा है, क्या तू मेरे दर्द को नहीं बर्दाश्त करता है, क्या तू मेरे दर्द को महसूस नहीं करता है, तू पापों में गलतियों में गुनाहों में तू गिरता ही चला जा रहा है मेरे परिजन। परमेश्वर की आत्मा रोती है, जो परमेश्वर की आत्मा है वो हम सभी के अंदर बसती है, वो हमारा परमेश्वर है, वह पवित्र है, वो पवित्र स्थान ढूंढता है मेरे प्रभु। यीशु मसीह ने कहा है यदि कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो उसके साथ मैं आकर उसके साथ भोजन करूँगा मेरे प्रभु। यीशु मसीह खटखटाता है, अपने मनों को अपने दिलों को साफ करना है और यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना है मेरे प्रियजनों। मेरे प्रियजनों यदि आपसे गुनाह हुए हैं पश्चाताप करिए, पश्चाताप करिए परमेश्वर माफ़ करेगा, वरना पश्चाताप नहीं तो क्षमा भी नहीं, क्योंकि वह न्यायी परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। याद रखना इस बात का, वह हर एक बात का न्याय करेगा परमेश्वर, उसके हाथों में हर एक चीज़ है, उसके ही सामने हर एक जीव उसको अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है, हर एक घुटना उसको दंडवत करेगा कि तू ही परमेश्वर है मेरे प्रियजनों, क्योंकि यीशु मसीह किसी को नाश करना नहीं चाहता है। यीशु मसीह हम सभी के विषय में देर करता है क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता है कि कोई भी प्राणी नाश हो, मेरे हाथ का पुत्र पुत्रिया बनाए हवा नरक जाए, मेरे प्रियजनों यीशु मसीह नहीं चाहता है। इसलिए हम सभी को इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो, मेरा कब आना होगा मैं कब आऊँगा तुम नहीं जानते हो, उस सब के विषय में तुम कदाचित नहीं जानते हो। जब स्वर्गदूतों को नहीं पता है तो हमको और आपको क्या पता होगा। यीशु मसीह गुप्त में आएगा, जिस प्रकार से एक चोर आता है चोरी करने के लिए सिंह रख के चुरा कर चोरी करके चला जाता है और कोई नहीं जानता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी आएगा, गुप्त में आएगा। कोई तो उस समय पाप कर रहा होगा, कोई तो उस समय बाइबल पढ़ रहा होगा, कोई तो उस समय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लिप्त होगा, कोई तो उस समय गंदे वीडियोज में सेक्स वीडियो देखने में पड़ा होगा। उस समय यदि कोई यहाँ पर छूट जाएगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा, उसे बहुत तड़पाया जाएगा, पानी पानी को दाने दाने को यहाँ पर तरस जाएंगे, पानी की जगह खून पीना पड़ेगा, लहू पीना पड़ेगा, इतना तड़पाएगा परमेश्वर मेरे प्रियजनों। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास दबा के शेयर करें, प्रभु आप सभी के मन की आँखों को खोले, आप सभी को जय मसीह की गुड लक।